खबर मैनपुरी से है, जहां विगत कई वर्षों से बेवर में बड़े ही धूमधाम के साथ रामलीला का आयोजन चला आ रहा है, जिसमें रामलीला अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने इसके सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ कदम उठाए हैं। बताया जाता है कि अनवरत लगभग 50 वर्षों से बेवर में रामलीला का सफल आयोजन होता चला आ रहा है और हर साल एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। उसी क्रम में इस वर्ष रामलीला कमेटी का अध्यक्ष अनुपम दीक्षित को बनाया गया था, तो उन्होंने रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण को लेकर कदम उठाया है। आइए सुनते हैं कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कहा है। समय निवर्तमान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनुपम दीक्षित जी मौजूद हैं, जो पिछला कई वर्षों से मंच बना हुआ है उसका निर्माण उसको तोड़ा जा रहा है। क्यों भाई, क्यों तोड़ा जा रहा है? उसको सौंदर्यीकरण कराएंगे और टूटा हुआ भी है बिल्कुल। उसके बाद वो मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे गंदगी रहती है, उसका मतलब उसी में लोकार्पण कराएंगे जल्द से जल्द। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि जो रामलीला 40-50 वर्षों चलती चली आ रही है, वो ये मंच जो है और वो मंदिर सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, वो मंदिर, इन दोनों का सौंदर्यीकरण होगा, ये मतलब कहना आपका है। तो ये थे हमारे साथ अनुपम दीक्षित, जो कि इस समय वर्तमान में रामलीला बेवर कमेटी के अध्यक्ष हैं।